सभी का रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ में, मैं सीईओ चीफ एडिटर रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ मोइन रंगरेज आपके सामने। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक न्यूज़ हमारे पास आई है। खामगांव के गांव रोहाना करके, खामगांव के पास में 10 से 12 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति इलाज करवाने के लिए बुल्ढाना जाता है। बुल्ढाना के अंदर उसकी टीवी की बीमारी से मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और दो छोटी छोटी बच्चियाँ उस व्यक्ति को लेकर एक एम्बुलेंस वाला मंगेश डाइवर, जिसका नाम है, वो एम्बुलेंस वाला अपने ओर से फ्री में वो व्यक्ति को लेकर उसके गांव रोहाना पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद में जब वो लेडीज़ औरत सब अपने रिश्तेदारों के पास में जाती है कि मेरे आदमी को नीचे उतार लीजिए, यहाँ पे हम इसकी जो है शमशान में ले आके इसका क्रियाक्रम करेंगे, तो वहाँ पे उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उसके रिश्तेदार उसके काम में नहीं आते। वहाँ पे जो फिर अपने पड़ोसियों के पास में जाती है, वहाँ पे उसके पड़ोसी उसके काम में नहीं आते। फिर उसके दो छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे करीब में रहने वाले कमरुद्दीन चाचा होते हैं, वो कमरुद्दीन चाचा के पास में वो बच्चे जाते हैं और कमरुद्दीन चाचा से कहते हैं, चाचा हमारे पिताजी का देहांत हो गया, कोई भी कोरोना बीमारी के होने की वजह से, शंका होने की वजह से उनके पास में नहीं आ रहा है, उनका क्रियाक्रम नहीं कर रहा है। तो वो कमरुद्दीन चाचा कहते हैं, बेटा आप फिक्र ना करो, मैं आपके साथ में चलूंगा और उस तेरे पिताजी का पूरा क्रियाक्रम करूंगा। तो देखिए किस प्रकार से एक मुस्लिम कमरुद्दीन चाचा ने, जहां पे पड़ोसी काम में नहीं आए, जहां पे रिश्तेदार काम में नहीं आए, खून काम में नहीं आया, वहां पे उस मुस्लिम व्यक्ति कमरुद्दीन चाचा ने अपने फर्ज को निभाया। कमरुद्दीन ने शव को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और साथ में शमशान में ले जाकर उसके पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी किया और किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी ना चाहते हुए बात करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों ने वहाँ पे उनका वीडियो बना लिया और हम आप तक वो पहुँचा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से एक छोटे से गांव में इंसानियत की मिसाल कमरुद्दीन ने पेश की। तिथं अशी परिस्थिती आहे, त्या दोन मुलं आहे लहान लहान, त्या मुलाला सिव्हिल हॉस्पिटल बुलढाण्यामध्ये डेट झालेला आहे तो पेशंट, आणि मी त्यांना बिना पैशानं, मी माझ्याजवळचे पैसे, आमच्या ड्रायव्हर लोकांनी जमा केलेले पैसे आम्ही त्याला इथं फुकट आणून दिली रोहना गाव इथं आल्यानंतर कोणताच नातेवाईक त्यांना त्या बॉडीला उचलायला तयार नाही। आखरी मी कलेक्टर मॅडमना फोन लावला, कलेक्टर मॅडमनी त्यांच्या खामगाव तहसीलदार साहेबांना फोन लावला, तहसीलदार साहेबांना ग्रामसेवकाला फोन लावला, आता त्याला प्रशासन त्याचा अंत्यविधी करू राहिला। गावात त्याचे नातेवाईक असतात, नातेवाईक आहे, गावामध्ये खूप नातेवाईक असून सुद्धा देशमुख समाजाचा एकही माणूस त्या उतरायला तयार नाही। आखरी एक मुस्लिम समाजाचा ज्या शेजारी माणूस आला, त्या शेजारी मुस्लिम समाजाचा माणूस तिथं तो थांबलेला आहे, आपलं स्मशानभूमीमध्ये तो थांबलेला आहे, आणि त्यांनी स्वतः आम्ही आणि अजून एका माणसाने त्याला उतरून तिथं खाली उतरून दिलं आणि मी तिथून आता ती बॉडी सोडून निघत। वैसा तो है वो टीबी का आदमी है, वो ये कोरोना का नहीं है, लेकिन लोगों को एक दहशत हो गई कि जो भी है कोरोना, बस यही प्रचार चल रहा है, कहीं का भी मिलो तो वो कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों का गलत समझ है, मैं तो भी ये समझता हूँ। तो वो हिसाब से इंसानियत के नाते वो ड्राइवर ने फिर बोले कि भाई चलो वहाँ उतार ले, तो मैं बैठ के आया गाड़ी में ड्राइवर के साइड में, और यहाँ आए बाद में ये संतोष हमारे उनका नाम रवन का कोतवाल, और हम लोग दोनों मिलकर वो बॉडी ले कर उठा के और वो स्मशान के कोटे पर रखे। रिश्तेदार कहाँ गए हैं? रिश्तेदार वो नहीं मालूम है मेरे को कहाँ गए और कहाँ है ये भाई, तो मैंने गाँव ले, रिश्तेदार आए नहीं गए, भाई से भाव है दी, अगर भाई है वो भाई का भाई है, इसके अलावा कोई नहीं, और वो भाई फिर मैं कैसे जाऊँ? ड्राइवर ने भी मेरे पर जिम्मेदारी डाल के जाया, मंगल भाई मेरे को तो रहना ही है ना, मेरे को रहना अगर नहीं रहता तो मैं वहाँ से ही नहीं आता था, जैसे लोग घर में छुप गए मैं भी घर में छुप जाता था, लेकिन मेरा काम वो नहीं, आज वो गया मेरे को भी कल जाना है।